हेलो जी, राम राम। कैसे आप सब? तो स्वागत है फिर से एक और न्यू व्लॉग में। तो अभी नहाई हूँ गाइज, और आज मैंने सिर धोया है। आज है संडे और कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि काम बहुत सारा था और मैंने कटिंग कर रखा था। मैंने सोची आज इन्हें मैं काफ़ी सारा समेटे दी हूँ और आज व्लॉग बनाने की टाल करती हूँ। तो कल मैं उस काम का लगी रही। कई सूट मैंने कई काम फटाफट फटाफट से निकाला और प्रेस करके रख दिया। आज सुबह एक सलवार बनाई, एक सलवार का पोंचा रह रहा था हुआ बनाई, उसका पोंचा कंप्लीट करा, और ये दो पजामा बनाए हैं और दो सूट कटिंग करा हैं और घर का काम कराया है। इंटरलॉक अभी बाकी है, ये सील करके मैंने डाल दिया था। और फिर थोड़ी देर आराम करके फिर मैं नहर चली गई। और ये सिंपल यूज प्लाजो हैं, गर्मियों में अब ऐसे ही प्लाजो आगे आगे बनेंगे। तो आगे प्लेट डालनी है, फुल लास्टिक डाला है और मोर इसकी 8 8 8.5 मोरी तक है। तो ये लूज लूज पैंट है, गर्मी हम सही रहे हैं, पैरेंट में कंफर्टेबल सी। इसकी कुर्ती कटिंग नहीं हुई है, इस तरह का प्रेस करी है। इसकी कुर्ती मैंने कटिंग कर ली, वो भी ए शेप में है और लूज प्लाजो है, वो भी उतना ही साइज का है। और इसकी कुर्ती है ना, मैंने ए शेप में कटिंग करी है। तो इसकी कटिंग वीडियो तो मैंने बना ली और इसकी स्टिचिंग वीडियो बनाऊंगी, तो फिर आप सबने देखने मिल जाएगी। और मैंने नाड़ा बनाया है, बैठ के मेरी सलवार में डालने नाड़ा था। आज मैंने ये सूट पहना है येलो कलर का, तो इसका लुक दिखाऊंगी आप सबने कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो बना लियो, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा आइडिया आ जाए है, पहने हुए चीज़ का पता चला कि भाई यो किसा लगा और किसा नहीं लगा। तो मैंने फिलहाल टी शर्ट रजाई तो पहन ली थी, नहा के थोड़ा सा बाल सुखा के फिर पहनूंगी। और घड़ी में बज चुके हैं 4:15, पीछे आपको नजर आ रही होगी 4:15 बज चुके हैं। और ये सूट, ये दो सलवार है ना, इनकी कमीज तो सिम चुकी है, तुरपाई ने जा रही है। इनका प्रेस करके लाइट चली गई थी बीच में, मैं जाए तो फिर रेस्ट करने लगी थी। और इनका प्रेस करके दो सूट ये कटिंग करूंगी। ईब शाम तक तो मैंने ईब कटिंग ये करनी है, कोई सूट कटिंग करूंगी आज, शायद ईब स्टिचिंग ना करूं। एक यो इनर का है यो कटिंग करूंगी और एक दो और करूंगी, कई कटिंग करूंगी। या लेस आई है, एक कोट सेट बनाना है उस खातर, तो इसको तो मैं फिलहाल रख देती हूँ साइड में, जब बनाऊंगी तब इसको निकालूंगी, ठीक है। और अफगानी सलवार की मैंने वीडियो डाल दी और उसकी शॉर्ट वीडियो भी डाल ली थी, मैं थोड़ा अलग दिखाऊं। या अफगानी सलवार मैंने बना दी है उस कुर्ती की और फुल लास्टिक वाली बनाई है, साइड में मैंने लगाई है इसमें पॉकेट, और बिल्कुल भी नहीं उठेगी। कई सारी बहना का कमेंट आने, अफगानी सलवार मारी यहाँ तक उठा है, यहाँ तक उठा है। तो इस प्रकार तक कटिंग कर लियो, बिल्कुल भी नहीं उठेगी। जिसने भी नहीं देखी है, न्यू नेहा बुटीक पर जाके फटाफट तय देख लो और बना लो, बहुत जल्द। अब गर्मियों में ये ज़्यादा चल रही हैं, स्ट्रेट सलवार, लूज प्लाजो या फिर अफगानी, ज़्यादा ज़्यादातर तो ये सिलाई में आऊंगी। और आज मैं स्ट्रेट वाली सलवार पहनूंगी। मैंने दो सलवार स्ट्रेट बनाई है मेरी, एक सलवार मैंने पहले पिछली साल बनाई थी जो ऑल ओवर सूट पहना करूँ उसके नीचे, एक या दूसरी बार बनाई है तो हल्की हल्की सही लग गए हैं। और जो मैंने येलो सूट का गला डिजाइन बनाया है ना, वो बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम पे, उसकी बाजू और उसका गला। तो बताइए बताइयो कि साक लग गए, थोड़ी देर में दिखाऊंगी आप सबने। तो बाल बाल सुखा लूं, कंघी कर लूं
तेल लगवाया था नौ दिन इतना सारा, दो तीन बार शैम्पू लगा के नर जब निकला, जब भी ठीक था पूरा ना निकला। और तेल लगवाने के बाद तो है ना बाल ने काला काला दिखन लग जाने, जेने कलर करया हो तेल ते ओ जाने। बाकी मेरा धोला बाल शुरू हो गया होना, एकाता मेहंदी लगानी शुरू करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कुछ देर बाद। तो ये मैंने सूट चेंज कर लिया है, अपना येलो कलर का सूट पहन लिया है और इसका फुल लुक वीडियो अभी मैं बनवाने जा रही हूँ। और 4:30 होया है, आज बाहर निकली हूँ ना जो दोपहर पार्टी को, सही लू चल रहे। और मेरे येलो कलर की चूड़ी, अंधी चाल है अंधी। और मंजू की साइड जाऊं, मेरा तो एक पंछी तो सो गया, न्यू कहा मम्मी नींद खराब मत करे, उसके कान में रात ने दिक्कत हो रही थी तो उसने वो रात ने ना सो पाया। और एक अपना मामा का गल मंजीत का गल बाहर चला गया, तो मंजू वाला लड़का दर बनवाऊंगी, बनाओगे तो एक आधी। ओके गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज किसा लग है मेरा सूट का लुक, और मैंने ये वाली स्टाइलिश बाजू बनाई है। ये बाजू का जो है लुक है ना बहुत ज़्यादा चल रहा है इंस्टाग्राम पे। ऊपर की साइड ऐसे थोड़ी सी शेप देके लेस लगा दी और ये वी शेप में गला, बीच में दो बटन लगा दिया। तो ये वाला गला भी बहुत चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम पे। आप इंस्टाग्राम को लोग इस टाइप का ये डिजाइन मिलेंगे आपने देखने। और इस कुर्ती की है ना लेंथ बहुत कम बनाई थी तो मैंने आगे जोड़ लगाया और यह बीच में देखो मैंने लेस लगा दी और नीचे भी लेस लगा दी। और बाजू का लुक की साल आ गया, खुली खुली गर्मी में ना तो परेशान करें और इस तरह की बाजू अच्छी ला गए हैं। और ये देखो यहाँ पर मैंने बीच में तो पतली लेस लगा दी और ये नीचे का है, या लैस मेरी कम बची थी तो मैंने कटिंग करके ये पत्ती अलग अलग थे और आधे आधे इंच की दूरी पर लगा दी ये, ताकि पूरा घेरा पे आ जा। और स्ट्रेट सलवार तो आप देख ही रहे हैं, इसके नीचे भी मैंने लैस लगा दी। तो किसा लगा आपने मेरा ये वाला सूट? तो गाइस हो गया फोटो शूट और अभी आके बैठे हैं और छोटा बच्चा आ गया, छोटा बच्चा आ गया, आजा 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 दे उल्टो है भाग आ जा रे, आ जा। और कान्हा जी के दर्शन कर लो गाइस, राधे राधे। ले पानी पी ले, आ जा आ जा, जय कौन करे। और अभी मैं पी रही हूँ पानी, अलमंजू देख के मैंने डुबक गी, कदे चाह प्यानी पड़ जा चाह तो प्यावा आएगा या लिकड़ी आई ए बहुत शरारती छोर हो रहे तार तो तो शांति थी ना रहे। तेरी झाड़ू पोचा वाली नहीं झाड़ू पोचा कर अजय ठंडी हो रही थी नहीं पसंद है लो भाई मंजू को सूटा स्टॉक खुल गया है, यो सूट सिलान खातर काट लियो है,
और ये सूट एक पोलोथीन भर के निर्मला फेर देगी से छोरी का आई एम मैरून वाली साड़ी कोई तो बुला सीमनु थे भी उन सुख या नेल प्रिंट मैच तो कनी हुई मेरा सूट में पर ला लिया हां हां को ब्लाउज हां तो सीमूंगी बत साड़ी दो और धरी सी भारी भारी भी तीन तीन नया सूट लागगी अन का सीमूंगी हां को ब्लाउज तावलो सो सीमा है मैरून रंग सारी बढ़िया लागगी सारी ये चीज काट दी मेहंदी मेहंदी की डेट चली जाएगी मेहंदी ला ले बहु रानी तू ला ले बिंदी भी छोटी छोटी सी थोड़ी सी काट ले मेरा दा काम आ गई यो कॉटन वाले सूट की सो काट लियो तने देखी की बना दियो तेरे का मिला है नहीं यो हां वो तेरे ना बना रखे सो इसे हां कॉलर वालो कॉलर वालो और अफगानी सलवार अफगानी सलवार सूती सूट हां ये ठीक लग गयो पीली सलवार से नो काट दी बैठी मदी हां यो से यो कंट्रास्ट भी सही लगे मेहंदी पे सुंदर दी भी मैं लगा लूं नेल प्रिंट यो रे बिलोज तार क्या आई थी ठीक तो उतरी भी कोनी इतना पक्के रंग की लाग रही थी या नेल प्रिंट हां हां यो रे और ब्लाउज इसमें बांध लेना कोई अंतर रंग बढ़िया रंग बढ़िया है हल्की सी सर ना ज्यादा वजन मेरी साड़ी का क्या लिया हूँ ड्राई क्लीन का कितना लिया 150 रुपये दिया इसमें ठीक लिया 180 मांगा तो मैं बोली खा दुकान बैठी सारी आन करा लो 150 मैं वाबन केस करवा के दिया कर ले जा 100 रुपया 150 दे ना तो कुत्ता का सुन दी 120 दे दी वादा रीस मेरे ऊपर दर्द हो चोर उठा के गिर दी मगर उन दर्द अलमारी तो दर्द रहती है और फिर मैं ले ले जानी बोली नहीं वो ठीक से कॉटन वालों चाबी ले ले स्कूटी की और ईव में लेन जाऊँ सब्जी सब्जी खत्म हो रही है और एक आध दस्तर भी लाऊंगी बुकरम लाऊंगी बुकरम भी ढाई इंची वाला रोल खत्म हो रहा है ढाई इंची रोल और कितना था एक आधी चीज तो लेती लेती भी भूल जाया करो और इबली आई सब्जी गर्मी में बहुत भीड़ थी जमा एक सूती और पा काट दिया मेरा तो नई जूती में जमा जमा देख चलन बिना दी सा आगत ते ना खून अड़ गयो जूती में जूती थोड़ी सी टाइट थी नई ये थी ना और पिछाते ओए चल लो बहुत मुश्किल मुश्किल लंगड़ी लंगड़ी चालू मंडी में नई चीज तो भाई काटन लाग जाओ कुसुती परेशान करे मेरे नाखून भी लंबा है ना मेरा नाखून भी चुभ गया गा तो दब गया ली आई भाई सब्जी ली आई और ये सामान तो रोज खत्म हो रहे से ये सामान ले आई या बुकरम कई बार पूछ ली मन कई बार बता दी था या चिपकान वाली ना हो या बुकरम या इसने वैक्स वाली पट्टी वाली बुकरम बोल रहे हैं वैक्स पट्टी हो है ऐसी दाना की सी तो वह बुकरम बोल रहे हैं इसने दो रोल ले आई हूँ ये ढाई ढाई इंच का खत्म हो रहा था और ये सारी इनर ये गोल गले दो पैकेट और थोड़ी ही लैस ले आई हूँ एक आधी रील भी ले आई हूँ एक चाक का डब्बा भी ले आई हूँ चाक भी जब तक खत्म हो जाए मशीन पर तक गिर गिर के टूट जाए और फिर खत्म दो कलर का ले आई हूँ ये और ये देख लो कौन सी कंपनी का है फिर दिखा
उल्टा दिख रहा है। ये सारा सामान लाई, सब्जी लाई, पैर कटवाया ही, और मेरा येलो कलर का सूट किस आला गया बता दियो। ये इसका कॉटन का दुपट्टा है, गर्मी में तो कॉटन का दुपट्टा ही मस्त रहे हैं अपने, सही तो पसीना पहुंच ले। और इसमें यो इतना जोड़ लगाया है मैंने, यहाँ देखो यार बीच में मैंने पतली लैस दे दी, जोड़ लगाया है, और नीचे लैस की कारीगरी मैंने ऊपर करी है, लैस बची है बिल्कुल थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी बची, या न्यू लैस थी, साथ साथ में टच टच थोड़ी बची तो मैंने यहाँ बीच बीच में तय काट दी, काट दी, और ये पत्ती सी अलग अलग करके आधा आधा इंच का गैप पर लगा दी, तो आगे आगे जोड़ी पे आ गई, नहीं तो यहाँ वही कौन थी, इतनी महंगी लैस आ रही है, इसने न्यू ही थोड़ी न्यू वेस्ट करूँ थी मैं, तो यह मैंने यूज में ले ली। लंबाई सूट की मैंने करी है 45 के लिया, फिर दो रहे नेल प्रिंट येलो कलर की लगाई, नीचे वाली दांव तो उतरी भी ना थी, ऊपर तय और चेपेगी गणी, फिनिशिंग ना आई, जमा दो दो तीन तीन कोट लगाई जिद भी उतनी कलर ना आया इसका, और नीचे वाली मैरून कलर की थोड़ी थोड़ी दिखाई है। बाजू का मैंने यार नया लुक बनाया है, नया डिजाइन बनाया है, यो डिजाइन बाजू का किसा लगा कमेंट करके बताइयो। ऊपर इसकी साइड पे इसकी शेप यूं दी है और इसमें लेस लगाई है, तो यो डिजाइन इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है, जब भी इंस्टाग्राम खोल के देखोगा बाजू का यो डिजाइन और गला का यो डिजाइन आपने खूब मिलेगा। और मैंने थोड़ी सी राखी से या कुर्ती लूजे, गर्मी में ही लूजे से ही रहूंगा, है ना। यहाँ पर मैंने दो बटन लगा लिया, इतना गला मैंने बंद कर लिया, और इस गले का अगर डिजाइन आपने देखना है तो मैं इसकी वीडियो डाल दूंगी, बाकी मैंने सलवार की वीडियो तो डाल दी, आज तो मैं बैठी बैठी दिखा दूंगी सारे। और सलवार का भी मैंने यहाँ खड़ी सलवार है और इसके यहाँ वाली लैस लगाई है, तो किसा लग गया आपने पूरा सूट बता दियो जरूर कमेंट कर करके। थोड़ा पतला जरूर है, ये मैंने ऑर्डर करके मंगवाया था, और जो मैंने रोहतक से मंगवाया था ना वो मोटा है, उसमें का कुछ भी नज़र नहीं आवा, बाकी नज़र तो इसमें पे भी कुछ ना आवा, गर्मी में से ही चल जाएगा, पर येलो कलर मेरा फेवरेट कलर है इसलिए मैंने ये भी सील लिया। बड़ा तो इन्हें बांध दूंगी, गर्मी में मैंने खुला ना सुहाया करें, बतेरा सूख लिया, इवन मैं बांध लूंगी जूड़ा करके, और ये भी मैं करूँगी सूटा का प्रेस, और फिर मैं उन्हें प्रेस करूँगी, तो इतने तो रोटियां का टाइम हो जाए, रसोई में बर्तन भी पड़े हैं, बालकान तरबूज तरबूज काट के खाए डालने, इतने फिर वह साफ करूँगी रोटियां का, इतना टाइम हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बाय बाय।